दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी पे हमको कॉल के ऊपर या पुट के ऊपर फोकस करना है। चलिए डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। कल मार्केट एक ट्रिकी मोमेंट देने वाला है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कैसे मोमेंटम आएगा डिटेल्स पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक जरूर करना, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो के नीचे ऐसे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कल मार्केट कैसे मूवमेंट देगा, हमको किसके ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके जान लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर पहले मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको अभी अभी देखने के लिए मिल रहा है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो फॉर्म किया था, एक बियरिश एंगलविंग का पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था। दोस्तों बियरिश एंगलविंग पैटर्न मार्केट नीचे जाने के लिए ज्यादातर साइन देता है। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बताया था कि आज हमको पुट के ऊपर बाय करके जाना है, पुट हमको जैकपॉट दे सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पे आपको बता दिया था, कल वेडनेसडे में पुट देगा जैकपॉट। अगर आपको वीडियो को देखे होगे तो आपको आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बियरिश एंगलविंग पैटर्न फॉर्म करने के बाद आज ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये बियरिश एंगलविंग पैटर्न को सपोर्ट देके नीचे की तरफ आके ये क्लोजिंग दे रहा है, एक बियरिश पैटर्न यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दे रहा है। और देखिए दोस्तों अभी जो सपोर्ट का लेवल है, कुछ दिनों से मार्केट ये रेंज के अंदर सपोर्ट ले रहा था, और अभी ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। तो ज्यादातर चांस रहेगा इसी लेवल से कल भी हमको और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। ये जो सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न अभी फॉर्म किया है, क्या इसी सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रहा है, तो चलिए एक बार उसका वॉल्यूम को भी ऐड करके चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है, और डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये जिसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कुछ दिन से काम कर रहा था, देखो इसी ट्रेंड लाइन को अब ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, और अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे, वॉल्यूम देखो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ मार्केट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए दोस्तों अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है और उसके साथ अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है, तो प्राइस और तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर चांस है कल इसी लेवल से डाउन साइड डिरेक्शन पे हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मार्केट जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है, क्या उसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा तो ज्यादातर हमको सेलिंग प्रेशर जो आएगा वो सपोर्ट लेवल के आसपास रुक जाएगा, और उसी लेवल से थोड़ा बाउंस करके ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी लेवल के आसपास आ रहा है। देखिए दोस्तों मैंने कल भी वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से ये 71.6% रिट्रेसमेंट लेवल से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये अगर नीचे की तरफ आएगा हमको मार्केट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास दोबारा देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए ये गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल है, इसीलिए ये लेवल के आसपास आने के बाद जनरली हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल 18,095 लेवल के आसपास आ रहा है। लेकिन देखो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये थोड़ा ऊपर की तरफ आया है, इसीलिए अभी तक प्रॉपर सपोर्ट लेवल को ये आया नहीं है। ये लेवल से अगर ये नीचे की तरफ आएगा 18,095, मतलब आप राउंड फिगर 18,100 ले लीजिए, तो कल मार्केट 18,100 लेवल के आसपास आने के बाद इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों मार्केट पे अभी जो ट्रेड हो रहा है, ये ट्रेड के ऊपर कितना स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है वो सबसे जानना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज को भी ऐड किया है, और ये एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से
मार्केट पे कितना बड़ा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में भी पता चल जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज जो दिखा रहा है, एवरेज ट्रू रेंज ऑन एंड एवरेज 30-32 के आसपास आ रहा है। तो जो भी एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे दिखा रहा है उस पर हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमको मिल गया 45। तो जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो वैल्यू पे 2 के आसपास हम मल्टीप्लाई करके हमारा टारगेट लेके जा सकते हैं। तो जनरली अगर हम स्टॉप लॉस के लिए सोचते हैं तो स्टॉप लॉस हमको अराउंड 45 के आसपास रखना है और 1:2 रेशियो के हिसाब से 90 के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इमीडिएट क्या हमको इसी लेवल के आसपास पुट के अंदर पोजीशन बनाना है या किसी लेवल ब्रेक करने के बाद हमको पुट के अंदर पोजीशन बनाना है? तो दोस्तों, हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया है। तो देखो, मार्केट 18,200 लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। अगर इसी लेवल से कल हमको डाउनसाइड डायरेक्शन पे मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो अराउंड 18,185 लेवल के आसपास हम आराम से पुट के ऊपर हमारा बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हैं। तो इसी लेवल से अगर हम ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो ऑन एंड एवरेज 40-45 पॉइंट के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो 18,230 लेवल के आसपास हमारी स्टॉप लॉस रहेगा और ये लेवल से 90 पॉइंट के आसपास डाउनसाइड हम टारगेट लेके जाएंगे तो आप ऑन एंड एवरेज 18,100 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है क्योंकि देखो, बार बार ये लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट रुक रहा है और इसी लेवल से हमको बाइंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और ये 18,200 लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद जनरली ये लेवल पे सपोर्ट आ रहा था, लेकिन ये सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो एक बार मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर लेता है तो फिर उसके बाद वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, इसीलिए ज्यादातर चांस है कल इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, कल एक्सपायरी पे अगर हमको कोई पोजीशन लेना है, हम पुट के ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे और मार्केट अगर थोड़ा ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद अगर हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा 18,185 लेवल के आसपास आने के बाद, हम इस पे पुट के ऊपर हमारी पोजीशन बना के जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ आता है और 18,230 लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है तो ये लेवल के आसपास हम 18,290 लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये स्विंग हाई लेवल के आसपास 18,370-360 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमको कॉल के ऊपर बाइंग करके जाना है और इससे नीचे हमको पुट के ऊपर बाइंग करके जाना है। इसको नोट करके जाइए, कल मार्केट ओपन होने के बाद लेवल आने तक वेट कीजिए, उसके बाद जो रिस्क बता रहा हूँ अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आपको इस पे एक डिसेंट इनकम कल मिल जाएगा।